नमस्कार दोस्तों, मैं अमर महाजन आपका मेरे अमर ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम टैली का बेसिक ट्रेनिंग सीखेंगे। इसमें मैं आपको टैली की कुछ बेसिक एंट्रीज सिखाऊंगा, उसमें से लेजर और वाउचर क्रिएशंस कैसे करते हैं ये आप जान पाएंगे। टैली का अकाउंटिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट का बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और आसान भी। इस तरह के सॉफ्टवेयर मैंने भी आज तक नहीं देखा था। तो इस ट्रेनिंग में मैं आपको इस तरह से सिखाने वाला हूँ कि जिनका बेसिक अकाउंटिंग नहीं है, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, वो भी आसानी से एंट्रीज कर पाएंगे। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसे लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए एक दुआ का काम करेगा और मुझे ऐसी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, जिन दुआओं के चलते हुए मैं अगला वीडियो जल्दी से बना पाऊँगा। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, ट्रेनिंग हम शुरू कर देते। पहले तो आप कैडी ओपन कर दीजिए। ये मैं ओपन करता हूँ। टैली के दो मोड होते हैं, एक एजुकेशनल मोड होता है और एक लाइसेंस मोड होता है। एजुकेशनल मोड में आप मंथ के पहले दिन, दूसरे दिन और मंथ के आखिरी दिन के लिए एंट्री कर सकते हैं। और जबकि आपके पास लाइसेंस कॉपी है तो आप कौन सी भी डेट को एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप एजुकेशनल मोड में सीख सकते हैं। तो ये एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर आप टैली सॉल्यूशंस .com से डाउनलोड करके इसे सीख सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर दीजिए तो आपकी महीने के एक तारीख, दो तारीख और लास्ट डेट को एंट्री हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये टैली का पहला पेज आता है कंपनी नेम पे। इसमें से आप पहले कंपनी क्रिएट कर दीजिए। ये देखिए, क्रिएट कंपनी। तो इसको नाम दीजिए, जो कोई भी नाम है। मैं एक नाम देता हूँ, हरिहरा इंडस्ट्रीज करके। इसके आगे आएगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में ये बात होती है जो कि इनवॉइस में आप प्रिंट करेंगे तो ये नाम आ जाएगा। इधर आपने बदल दिया तो अलग नाम आ सकता है। तो देखिए, चलिए नाम दे दिया कंपनी का, एड्रेस डाल देते हैं। मैं शॉर्टकट में एड्रेस डाल देता हूँ। इधर स्टेट आप सिलेक्ट कर दीजिए, तो मैं ले लेता हूँ महाराष्ट्र। पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड हो। इधर फोन नंबर डाल सकते हैं, इधर आपका मोबाइल नंबर। नीचे आपको ईमेल आईडी डालना होगा। आगे आप इधर आप सिलेक्ट करेंगे आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट अगर 1 अप्रैल 2018 में हो रहा है, समझिए, और आप अकाउंटिंग बुक्स मैनेज कर रहे हैं 1 जून 2018, तो इधर आप जून का महीना डाल सकते हैं इस तरह से। अगर आप नहीं डालना चाहते तो रहने दीजिए, मैं जून का हटा देता हूँ और वही डेट डाल देता हूँ। आगे आपको एसएस करके सेव कर देना, तो ये आपकी कंपनी तैयार होगी। अब इसमें आप
आगे मैं बताता हूँ आपको, पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको जीएसटी एक्टिव करना पड़ेगा। तो आपके कंप्यूटर में जो F11 की दी हो गई है कीबोर्ड पे, वो आप प्रेस कीजिए। उसमें से आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, उसमें जाइए। और उसमें से फर्स्ट ऑप्शन यस कर दीजिए जीएसटी का, और दूसरा एक ऑप्शन होता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, वो भी यस कर दीजिए। तो इसमें आपको डिटेल्स पूछेगा, वो आप अच्छी तरह से फिलअप कर देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका स्टेट महाराष्ट्र आता है, आप रेगुलर में हैं या कंपोजिशन में हैं। कंपोजिशन का ये जो स्टेप है वो 6.4 में अपडेट किया गया है, पहले से, उससे पहले नहीं था। अभी कंपोजिशन का जो रिपोर्ट टैली में दिखता है, GSTR 4 भी दिखता है, 6.4 में से अपडेट किया गया है। तो आगे आपका जीएसटी नंबर डाल दीजिए जो भी है। जीएसटी नंबर डाल दिया मैंने, एप्लीकेबल कब से है वो डाल दीजिए। मैं इधर ही यही डेट रखता हूँ बाय डिफॉल्ट। आगे चलिए, अगर आप ई वे बिल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ई वे बिल एप्लीकेबल है तो इसे यस कर दीजिए, और कब से एप्लीकेबल है इसे डेट डाल दीजिए, और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट डाल दीजिए। अभी तो 50,000 गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, आगे जाके बदल भी सकता है, तो उस टाइम आप वही रख लेना जो बदला हुआ है। थ्रेशोल्ड लिमिट का रख दीजिए, इनवॉइस वैल्यू जो भी बाय डिफॉल्ट है वही रख लीजिए। तो इसे सेव कर दीजिए, बाकी का आप यस मत दीजिए। बाकी का अगला नॉलेज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। चलिए इधर ये हो गया। अब हम कुछ लेजर्स तैयार करते हैं जो शुरुआत में करने पड़ते हैं टैली में। तो आप पहले आप जाएंगे अकाउंट इन्फो में, गेटवे ऑफ टैली में आकर उसमें से लेजर में जाएंगे, ठीक है। उसमें आप क्रिएट करेंगे, इधर देखिए अभी मैं क्रेडिटर तैयार करता हूँ। जो भी पार्टी आप जिससे खरीदते हैं, गुड्स जिससे खरीदते हैं या सर्विस जिससे लेते हैं, उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो मैं कोई भी क्रेडिटर डाल देता हूँ, जैसा कि एक नाम डालता हूँ अमर महाजन, समझिए क्रेडिटर है। आपके समझने के लिए मैं इधर क्रेडिटर डालता हूँ। आगे चलिए, आगे जाके इसका ग्रुप आ जाएगा, अंडर जो बोलते हैं टैली में उसको ग्रुप बोलते हैं। टैली में अंडर की तरह दिखता है, इसे आप अंडर के सेम कैप्शन में डाल सकते हैं, उसको दीजिए क्रेडिटर ग्रुप, संदिग्ध क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस यस रखिए, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अभी मत रखिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसका। अभी एड्रेस डालना है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम डाल दीजिए। इधर उनका फोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। इधर एक ऑप्शन है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, वो आप यस कर दीजिए। उसमें से अगर आप किस टाइप का पेमेंट कर देते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप आपका क्या है, वो सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप NEFT RTGS करते हैं तो ये फंड ट्रांसफर कर दीजिए। इसमें अकाउंट नंबर डाल दीजिए जो भी है, IFSC कोड डाल दीजिए। बाद आपका बैंक डाल दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद नीचे आकर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आप यस कर दीजिए।
इसमें से रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेगा तो रेगुलर ले लेना, बाकी ऑप्शन को मत आप देखिए। इसका इधर जीएसटी नंबर पूछ रहे हैं, इधर जीएसटी नंबर डाल देना। अगर जीएसटी नंबर गलत है तो इधर ये एरर दिखाता है, इनवैलिड जीएसटी एन फॉर्मेट, तो इसमें आप सुधार कर लीजिए। मैं तो अभी कौन सा भी डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है, पिछला बैलेंस है पिछले वर्ष का, तो आप इधर डाल सकते हैं। एंटर कर दीजिए, सेव कर दीजिए, क्रेडिटर का खाता खुल गया है। अब हमें एक डेटर्स का खाता खोलना है, जिसको हम गुड्स बेचेंगे या जिसको हम सर्विस देंगे। तो चलिए एक खाता बनाते हैं, एबीसी करके बनाते हैं, इसको ग्रुप देते हैं डेटर्स। इसको डेटर्स समझने के लिए मैं ब्रैकेट में डेटर्स डाल देता हूँ। रिसेंटली डेटर्स का आपको अंडर लेना है, मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस वही यस करना है। इसका एड्रेस डाल दीजिए आप, कोल्हापुर का एड्रेस डाल रहा हूँ, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए। कोल्हापुर महाराष्ट्र में आता है इसलिए महाराष्ट्र लेता हूँ। कॉन्टेक्ट पर्सन लेंगे, इसको जो भी नाम है डाल दीजिए, उनका उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उनका ईमेल आईडी इधर डाल सकते हैं आप। फिर से बैंक डिटेल्स पूछेगा, तो इधर बैंक डिटेल्स उसके डाल दीजिए। आईएफएससी कोड इधर बाय डिफॉल्ट बैंक की लिस्ट आ जाएगी, इस पे बैंक आप सिलेक्ट कर दीजिए, बैंक ऑफ इंडिया। और फिर से जीएसटी डिटेल एस कर दीजिए, इसमें से आप रजिस्टर टाइप रजिस्ट्रेशन का जो टाइप है वो रेगुलर ले लीजिए, और इधर उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जीएसटी नंबर जो भी सही है वही आप डाल दीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए अलग डाल रहा हूँ, और इसको सेव कर दीजिए। अब टैली में कुछ बेसिक लेजर्स बनाने पड़ते हैं जो टैली में पहले से तैयार नहीं होते। टैली में पहले से तैयार कैश और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये लेजर्स तैयार होते हैं, बाकी के लेजर हमें बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए पहले लेजर बनाते हैं परचेस। परचेस लीजिए, परचेस के अंदर इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड रखिए। अगर ये ऑप्शन आपने अफेक्टेड रखा तो ही आपको ए एटम इनवाइस मार्क के समय लेजर दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा, इसलिए इसे एस कर दीजिए। और इसमें से दूसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ लेजर, इसमें मत लीजिए आप, नॉट नॉट एप्लीकेबल कीजिए। और इधर एक ऑप्शन पूछ रहा है इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो इधर आपको अनडिफाइन करना है। इसमें एक बात आपको बताता हूँ मैं, अनडिफाइंड आप एक ही बार सिलेक्ट कर सकते, इसलिए इसे कभी जानकर भी अल्टर मत कीजिए, मतलब इसे एप्लीकेबल मत कीजिए या नॉट एप्लीकेबल मत कीजिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड ऑप्शन चला जाएगा। तो अनडिफाइंड इसलिए हम यूज करते हैं कि जो भी टैक्स आएगा इनवॉइस में वो आसानी से आ सके, हमें अलग अलग लेजर नहीं बनाने पड़ते हैं अनडिफाइंड चूज करने के बाद। उसको मैं परचेस एट द रेट 12%, 5%, 28% ऐसा लेना नहीं पड़ता है, इसलिए अनडिफाइन करके रखें। और इसको हम गुड्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए गुड्स अंडर लीजिए और बाकी कुछ नहीं करना है आपको, सेव कर दीजिए। वैसा ही लीजिए, सेल्स का बनाना है आपको, सेल्स सेल्स के अंदर लीजिए,
इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड यस, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखिए। इधर एंटर मार के फिर से बैकस्पेस दे दीजिए, अनडिफाइंड देखिएगा, इसमें सिलेक्ट कर दीजिए और अंडर गुड्स लीजिए, ये सेल भी सेव कर दीजिए। और आगे का लेजर हमें बनाना है, टैक्सेस के लेजर बनाने, स्टैट्यूटरी लेजर्स बनाने हैं। इसमें पहला लेजर बनेगा IGST, इसमें आप परसेंटेज मत डालिए, परसेंटेज परचेस में और सेल में अनडिफाइंड लेने के वजह से अपने आप आ जाएगी। IGST लीजिए, इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर लीजिए और टाइप ऑफ ड्यूटी GST रखिए, टैक्स टाइप रखिए सेंटर इंटीग्रेटेड टैक्स। IGST होने के वजह से परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको देना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। नॉर्मल राउंडिंग आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल रखिए। दूसरा लीजिए CGST, इसको आप लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। इधर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST दीजिए, यह आएगा सेंट्रल टैक्स, इसको भी आप सेव कर दीजिए। और दूसरा बनेगा ये GST, इसको भी आप GST के अंडर ले लीजिए। स्टेट टैक्स सिलेक्ट कीजिए, टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स आएगा, सेव कर दीजिए। अभी दोस्तों मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बताऊँ, आप एस्केप करके इससे बाहर आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। उसमें से आप जाएंगे अभी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने के लिए। उधर मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें वही से बनानी है तो आप बना सकते हैं। तो पहले हम एक इन्वेंटरी इन्फो में आगे जाके, मास्टर्स में इन्वेंटरी इन्फो में जाके एक पहले एक यूनिट्स ऑफ मेजर तैयार करें, जो भी हम क्वांटिटी मेजर करने वाले हैं उसका यूनिट क्या हो। तो यूनिट हम क्रिएट कर देते हैं, पहले उसमें नंबर्स डाल देते, सिंबल में नंबर्स डाल दीजिए, फॉर्मल नेम में पूरा नाम डाल दीजिए, नंबर्स यूनिट क्वांटिटी कोड रखिए, नंबर्स गवर्नमेंट ने अपने फॉर्मेट में बनाए हुए यूनिट से, या अगर इधर डालेंगे तो आप GST पोर्टल पे जाएंगे तो आपका रिपोर्ट सबमिट करते समय ये नंबर्स जो आता है गवर्नमेंट का यूनिट उधर आसानी से फिलअप होने के लिए आसान हो जाएगा। नंबर्स के लिए आप डेसिमल प्लेसेस कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर इसमें एक बार रख दिया तो यूनिट में आप बदल नहीं कर सकते, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए ज़रा पहली बार ही केयर करके ज़रा इसे सिलेक्ट कर दीजिए या बना लीजिए। डेसिमल प्लेसेस 0 रख दीजिए, यूनिट ऑफ मेजर तैयार हो गया, नंबर्स एंटर कर दीजिए। तो इसमें से आप एस्केप करके बाहर आ जाइए। अब उसके बाद आप इन्वेंटरी इन्फो में आपको अगला ऑप्शन दिखेगा स्टॉक आइटम, तो आप इसमें जाइए और स्टॉक आइटम आप हम क्रिएट करेंगे। इसमें से लीजिए जो भी है आपका, समझिए एक हार्डवेयर मटेरियल का, अगर आपका या सॉफ्टवेयर का कोई फर्म है, आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर के ऐसे डीलर है जो सॉफ्टवेयर बेचता है, लेता है और बेचता है, तो मैं एक सॉफ्टवेयर डीलर हूँ समझ के एक आइटम तैयार करता हूँ। समझिए एक टैली का सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, मैं टैली का आइटम तैयार करता हूँ, टैली सिंगल यूजर, मतलब इसे सिल्वर बोल देते, एलियास नेम आपको इसका रखना है तो रख सकते हैं, इसका शॉर्टकट नेम रख सकते हैं आप TSU, जब आप TSU एटम लिस्ट में दबाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। इधर आप डिस्क्रिप्शन इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जो आपको इधर आपने डिस्क्रिप्शन डाला तो इनवॉइस में अपने आप इंसर्ट हो जाएगा अंडर। अब मैंने इसका ग्रुप नहीं बनाया है, इधर ग्रुप बनाने के लिए मैं आपको टैली का एक शॉर्टकट बताता हूँ। इधर आप Alt C कर दीजिए, Alt C करने के बाद जिधर भी आप टैली में जाएंगे वो बातें क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अभी ग्रुप की इधर में गया, Alt C किया तो ग्रुप तैयार हो गया। ग्रुप है ये किसके अंदर है, ये सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर बना लीजिए, अंडर प्राइमरी लीजिए, शुड बी क्वांटिटी एडेड एस रखिए, सीट अल्टर जी एस टी एस रखिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिखिए ये है सॉफ्टवेयर, एच एस एन कोड इसका 8020 जो भी है आप डाल दीजिए, और टैक्सेबिलिटी रखिए टैक्सेबल। इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब IGST का आपको डालना है, CGST SGST का अपने आप नीचे आ जाएगा। सेस का कुछ उसका होता नहीं इसलिए सेस मत डालिए, सेव कर दीजिए। आपका सॉफ्टवेयर एक ग्रुप इधर तैयार हो गया, मैंने यूनिट्स ऑफ मेजर पहले से बनाया था, ये इधर दिख रहा है, यूनिट में इसे नंबर्स मिल लीजिए। अब इधर ये ऑप्शन आ गया GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल करके नीचे यस कर दीजिए। तो इधर आपको ये एटम लेवल पे डालना है सॉफ्टवेयर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो मैंने पहले दिया ग्रुप को नाम, अभी मैं एटम को दे रहा हूँ सेटिंग्स। तो ये कैलकुलेशन टाइप GST का है, ऑन वैल्यू लीजिए, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल लीजिए, इधर 18% दीजिए तो 9% आ जाएगा, या अंडर गुड्स के अंडर लीजिए एंटर करके। इधर आएंगे तो आपको दिखेगा ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पास पहले कोई यानी कि सिंगल यूजर के लिए पैक पड़े हुए हैं तो आप इधर ओपनिंग बैलेंस उसका डाल सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग नया शुरू कर रहे हैं और पिछला बैलेंस आपके पास कुछ है तो इधर ही आप डाल के, इधर ही आपके पास 10 पैक पड़े हुए तो 10 डाल दीजिए, उसकी इधर प्राइस डाल दीजिए जो भी है, जो आप खरीदते हैं जिस रेट से वो रेट डाल दीजिए, तो आपका वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा या ऐसा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर आपको नहीं डालना है तो निकाल दीजिए, या आपका आइटम तैयार हो गया। तो आप मैं आपको बताता हूँ वाउचर इंट्री गेटवे ऑफ कैलिटी, आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, पहले हमें परचेस करना है इसलिए आप इधर दे सकते हैं, देख सकते हैं राइट साइड में F9 परचेस करके आया हुआ, F9 इसका शॉर्टकट की है, तो F9 हमने दबाया, F9 परचेस में हम जाते हैं। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछता है, समझिए सप्लाई का इनवॉइस नंबर 1234 ऐसा कुछ है, और हमने परचेस किया है 1 अप्रैल 2018, तो इसे एंटर कर दीजिए। अब हमने अकाउंट्स बनाए हुए हैं पहले वो देखेंगे, हम परचेस करेंगे क्रेडिटर से इसलिए क्रेडिटर लीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर करके आगे जाएंगे तो इसका GST नंबर वगैरह आपको दिख जाएगा, तो ये परचेस लेजर हमने बनाया था वो सिलेक्ट कीजिए, परचेस नेम ऑफ आइटम डाल दीजिए, कैली सिंगल यूजर, ये इधर आपको शॉर्टकट दिख रहा है इसका और पूरा नाम भी दिखेगा इसमें, तो आपने समझिए कि SU दबाया तो ये अपने आप आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर देंगे तो टैली सिंगल यूजर आ जाएगा। इसका इधर सीरियल नंबर आप डाल सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन आपको पूछ रहा है वो इधर डाल सकते हैं, कुछ भी है जो भी सीरियल नंबर है वो आप डाल सकते हैं, एंटर कर दीजिए, क्वांटिटी डाल दीजिए, समझिए मैंने इसके 10 पीस लिए, रेट इसका था परचेस प्राइस समझिए 18,000 बेसिक प्राइस, तो ये अपने आप आगे कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ये अमाउंट आपको दिख रही है 1,80,000, ये हमने ई वे बिल को जब यस किया था उसमें दिया था 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट, इसलिए ये 50,000 के ऊपर गया है, इसलिए इधर ऑप्शन दिख रहा है आपको ई वे बिल का एक्टिव हो गया। अगर ये आप नीचे तक जाएंगे इसको समझिए, एक ही महीने लिया 18,000 लिया तो ये ऑप्शन इधर से चला जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट पार होने के बाद ये ऑप्शन अपने आप एक्टिव होता है ये बिल का, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लेंगे इसका HGST और इसका CGST, ठीक है। तो ई वे बिल हमको अभी तो फिलहाल नो रखना है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। नैरेशन लिख लीजिए, जो भी आप जिस तरह से लिखना चाहते हैं उस तरह से नैरेशन लिख सकते हैं, परचेस कैन बी सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर,
ऐसा मैं डाल देता हूँ, ये वो भी परचेस की एंट्री। तो आप बाहर आएंगे, स्किप करके गेटवे ऑफ कैली के आ जाएंगे फिर से, तो आपको स्टॉक समरी में अगर आप जाएंगे तो आपको ये स्टॉक दिख जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में। इसको आप शिफ्ट एंटर करके डिटेल में देख सकते हैं कि अली सिंगल यूजर का आपके पास 10 के स्टॉक पड़ा हुआ। तो अब हम सेल की एक एंट्री करके देख लें, तो एस्केप करके बाहर आ जाइए। जो भी कुछ भी एंट्री मारना है आपको, तो सभी एंट्रीज आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड हो, अकाउंटिंग वाउचर से हो जाती है, और इन्वेंटरी रिलेटेड भी इन्वेंटरी वाउचर से हो जाती है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अभी तो परचेस हो गया, अभी हमें सेल करना है। सेल करने के लिए हम एपेट प्री की प्रेस करेंगे। एपेट की सेल्स की है, तो अभी सेल्स का प्रेस कीजिए, तो आप सेल्स में आ जाएंगे। सेल्स के लिए पर्क लीजिए, सेंट्री डेटर्स के अंडर जो बना है वो अकाउंट था वो था ABC डेटर्स, तो इसे एंटर कर दीजिए। इधर डिलीवरी नोट वगैरह है आपके पास, कुछ डिलीवरी चलन बना है आपने तो इधर डाल सकते हैं, अपने आप आ जाएगा वो। आप एंटर करेंगे तो अपने आप फिलअप हो जाएगा बिल में। ऑर्डर नंबर है तो ऑर्डर नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पेमेंट कब करने वाला है तो समझिए 5 दिन में हमें पेमेंट करने वाला है, तो इधर विद इन 5 डेज डाल दीजिए। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या थी, कभी डिस्पैच करना था, कब उनके पास पहुंचाना था, इधर डाल सकते हैं विद इन 1 डे। ठीक है, तो आगे आप उसकी बाकी की इंफॉर्मेशन इधर आ जाएगी अपने आप। तो इधर ये सेल्स लेजर, हम सेल्स लेते हैं, इधर लेते हैं टैली सिंगल यूजर। हमने इसके सीरियल नंबर डाल देता हूँ मैं, कौन से सीरियल का मैं बेच रहा हूँ वो सीरियल नंबर डाल देता हूँ इधर। उसमें से 5 ही बेचे हमने, तो हमने खरीदा था 8000 में, तो हम इसको 1000 रुपये अपना प्रॉफिट रख के बेच रहे, तो 19000 में आप बेच सकते हैं इसको। तो आगे का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें से आप नीचे आइए, इधर सिलेक्ट कर दीजिए ये GST, इधर सिलेक्ट कर दीजिए CGST, एंटर करके इसे EVBIL का ऑप्शन तब तक नो रखिए। इधर नरेशन दीजिए, बीन सोल्ड गुड्स, एंटर करके सेव कर दीजिए। तो आप अगर आप अभी पीछे आएंगे गेटवे ऑफ कैली में और स्टॉक समरी में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे आपने आपके पास 5 का ही स्टॉक बचा, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए। लिया कितना था, बेचा कितना है, ओपनिंग कुछ था क्या, ये देखने के लिए इधर आप F12 प्रेस कीजिए। इधर एंटर करके शो ओपनिंग बैलेंस एस कर दीजिए, इनवर्ड एस कर दीजिए, और शो गुड्स आउटवर्ड एस कर दीजिए, और एस करके सेव कर दीजिए। तो देखिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं था, इनवर्ड हुआ है 10 क्वांटिटी का, उसमें से 5 क्वांटिटी गई हुई है और रह गई है 5 क्वांटिटी। इधर आपका स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। इधर आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करते समय आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, इधर नो करना है। इधर आके आप एक्सेल में अगर PDF में बनाना चाहते हैं इसको, तो PDF डाल दीजिए। इसको इधर नाम डाल दीजिए, नाम आप बदल भी सकते हैं। आगे का .PDF आपको वैसा ही रखना है, सिर्फ आगे का नाम बदलना है तो बदल सकते हैं। एयरपोर्ट साइज में आएगा, कंडेंस में आएगी चाहिए या डिटेल में चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। समझिए आप मैंने डिटेल्स में दिया, तो बाकी का ऑप्शन ACS जो भी चाहिए आपको ACS कर दीजिए, एंटर करके सेव कर दीजिए। ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। अगर इसी तरह से आप इसे एक्सेल में भी कर सकते हैं, इधर एक्सेल का फॉर्मेट लीजिए, स्टॉक समरी, आप देखिए एग्जिस्टिंग शीट नो रख दीजिए, फॉर्मेटिंग यस रख दीजिए, और इसे ओपन एक्सपोर्टेड फाइल यस रख दीजिए, और एंटर एंटर करके आप ये सेव कर देंगे तो आपका स्टॉक समरी का रिपोर्ट सेव हो जाएगा। वो एक्सेल में शीट बना देगा, आप ये देख सकते हैं।
इधर रोज अपडेट हो रहे हैं, उसमें से आपका स्टॉप समरी का रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया है। इधर से आप इसका कुछ भी प्रिंट ले सकते हैं, इधर अच्छी तरह से फॉर्मेट करके प्रिंट ले सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं अपनी फाइल पे, फाइल में रख सकते हैं, जो भी आप एक्सेल में कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं। तो दोस्तों सेल और परचेस हो गए। अभी हमने जो परचेस किया है समझे, उसका हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हमें क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स में फिर से, और इधर एक राइट साइड में ऑप्शन आ जाएगा F5 पेमेंट करते हैं, या आप F5 प्रेस कीजिए पेमेंट में जाएंगे आप। तो इधर ये टैली ने मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग का नॉलेज जिनको नहीं है वो भी आसानी से एंट्री कर पाए, इसलिए टैली ने मोड बनाया है सिंगल एंट्री मोड। इधर आप बैंक, जो भी आपका बैंक हो या कैश हो, आप टैली का पेमेंट कैसा किया है, कैश किया है तो कैश लीजिए। समझे आपने बैंक में किया है, इधर तो बैंक का खाता दिख नहीं रहा है तो आपको बनाना है, तो इधर ही आप अल्ट सी कर दीजिए, बैंक का खाता बना दीजिए। समझे आप बैंक ऑफ इंडिया से बना, बैंक ऑफ इंडिया से लीजिए, और इधर अंडर बैंक का अकाउंट डाल दीजिए। तो नीचे आपको ये फोल्डर का नाम बता देगा, हरियाणा इंडस्ट्रीज। इधर अकाउंट का नाम दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जो भी अकाउंट नंबर होगा वो डाल दीजिए। इधर IFSC कोड भी डाल दीजिए। ये जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं हम, वो टैली में परमानेंट सेव हो जाती है, इसे आपको एक ही बार भरना पड़ता है। अगर आपको कभी आगे जाके उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इधर से देख सकते हैं। बैंक दीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, आपके सामने बैंक का लिस्ट आ जाएगा, इसे बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, ब्रांच जो भी है लीजिए। अगर आप चेकबुक मेंटेन करना चाहते हैं तो सेट चेकबुक यस कर दीजिए, तो आप इधर किस नंबर से किस नंबर तक चेकबुक में आपके चेक्स पर हैं वो आ जाएंगे, नंबर्स ऑफ चेक्स कितने हैं, चेकबुक का नाम क्या है। फिलहाल तो मैं ये नहीं बता रहा आपको, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इधर अनेबल ऑटो रिकंसिलेशन ऐसे रखिए, आगे जाके आपको बैंक का एड्रेस डालना है, उसके बाद कंट्री इंडिया लेना है, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड डालना है, कॉन्टेक्ट पर्सन आपका कोई उधर हो, उनका मैनेजर वगैरह उनका नाम आप इधर डाल सकते हो, बैंक का मोबाइल नंबर, बैंक का ईमेल आईडी डाल सकते हो, बैंक का GST नंबर डाल सकते हो। तो बैंक का GST नंबर आप डालिए इधर जो भी है, अगर इधर आपने गलत दिया तो टैली से इनवैलिड GST नंबर बताता है, आप सही डाल दीजिए। मैंने तो अभी ऐसे दूसरा कोई डाल दिया है, समझे अभी इधर ही बैंक अकाउंट तैयार है। बैंक अकाउंट एंटर करके आप पेमेंट किसको करेंगे, जो भी अपना क्रेडिटर है उसको पेमेंट करेंगे, करना होगा आपको एंटर कर दीजिए उसका कितना पेमेंट करना है। करंट बैलेंस आपको इधर दिखा रहा है, वो करंट बैलेंस आपको दिखा रहा है, समझिए अभी इसमें 2 लाख 12,400 है, उसमें सिर्फ आप 2 लाख ही पेड कर रहे हो, उसको इधर 2 लाख अमाउंट डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। आगे रेफरेंस पूछेगा, जो भी बिल हमने बनाया था परचेज उसका इधर रेफरेंस नंबर आ जाएगा, वो एंटर कर दीजिए। ये ऑप्शन तब आता है जब आप पार्टी लेजर में जाके मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस यस कर देते इधर जाके, तभी वो आता है, नहीं तो नहीं आता है। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस इसलिए हम करते हैं कि उसका आउटस्टैंडिंग देखते समय कौन से बिल के अगेंस्ट कितना अमाउंट पेंडिंग है ये आपको दिख जाए। टू डेट्स का पेमेंट मैंने उसको कर दिया है, उसका मोड है मैंने समझे INPS कर दिया, तो ई फंड ट्रांसफर इधर आ गया है, लीजिए 2 लैक्स किया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर होगा तो डाल सकते हैं, समझे आप NEFT RTGS की है तो इंस्ट्रूमेंट नंबर भी होगा, इधर डाल दीजिए आप जो भी है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट का डेट डाल दीजिए। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब ये आता है चेक नंबर, इधर ये चेक नंबर डालूंगा,
नरेशन दीजिए, मेड पेमेंट, इनवॉइस नंबर 1234, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हो, जो आपको इंफॉर्मेशन सही लगी वो डाल दीजिए। ये हमने परचेस में जो परचेस किया था उसका पेमेंट कर दिया। अभी आप स्किप करके बाहर आ गए, गेटवे टैली पे आ जाइए और हमें उसका लेजर स्टेटमेंट देखना है उस पार्टी का। तो क्या करना है हम आपको, मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्ले में जाना है आपको, अकाउंट्स बुक में जाना है और लेजर में जाना है और उस पार्टी का नाम लेना जो भी है सिलेक्ट करना है, एंटर कर दीजिए। ये देखिए इधर परचेस किया हुआ अमाउंट आ रहा है कितना है, वो ये पेमेंट किया हुआ बैंक ऑफ इंडिया से आ रहा है। तो मैंने परचेस किया था उससे जो पेमेंट किया था उसमें जो रह गया बैलेंस है वो इधर क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। अगर आपको ये बिल वाइज देखना है तो इधर ही आप बिल वाइज देख सकते हैं, आल्ट भी कीजिए और इधर नहीं तो इधर क्लिक कर दीजिए। ये बिल वाइज आप इधर देख सकते हैं, इस 1234 बिल नंबर के अगेंस्ट हमने परचेस किया था 212,400 का और उसका पेंडिंग अभी रह गया है 12,400। ओवर डेज है 0, उसी समय पेमेंट किया है जिस समय ये लिया था इसलिए 0 दिखा रहा है, बाद में किया होता तो इधर वो इतना डेज दिखा था। तो ये हो गया। अभी मैं आपको एक रिसीट का भी एंट्री दिखाता हूँ। रिसीट मतलब जो मैंने हमने माल बेचा उससे जो पैसे आएंगे उसके अगेंस्ट जमा हम रिसीट में लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंटर कर दीजिए, इधर आपको F6 रिसीट दिखेगा। वाउचर का जो भी शॉर्टकट है वो F6 है, आप इसे F6 प्रेस कीजिए। अगर आपको कौन से बैंक में पेमेंट आया है तो समझिए बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए। इधर आपका डेटर्स का जो भी ABC से पैसे आए हुए उसका उनका आना था 1,12,100, उसमें से उन्होंने 1,00,000 हमें दे दिया, इधर 1,00,000 डाल दीजिए। अगर से रेफरेंस ये बिल नंबर आ जाएगा और सिलेक्ट कीजिए, इधर चेक से आया होगा तो चेक दे दीजिए, चेक नंबर इधर डाल दीजिए। इधर आपने समझिए अगर ये पेमेंट आया हुआ है रिफंड ट्रांसफर तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कैश आया कैश दे सकते हो, अदर कुछ हुआ अदर ले सकते हो। तो मैं फिलहाल चेक ले रहा हूँ, चेक का एंट्री कर दीजिए, बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है। इधर नरेशन डाल दीजिए, पेमेंट बिल नंबर। तो अभी इसका भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक में, लेजर स्टेटमेंट उसका देखिए, ABC डेटर्स जो जो हमने सेल किया था 1,12,100 का था उससे इसके आगे उसने पेमेंट हमने किया 1,00,000 का और इधर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 12,100, ये आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आप एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमने एंट्रीज की हुई है वो सब हमें देखनी है एक ही जगह पे। तो आप डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाइए तो आपको सब ट्रांजेक्शन दिख जाएगी जो भी आपने की हुई है, पेमेंट सिट सेल परचेस ये सब ट्रांजेक्शन पर दिखती है। अगर आपको सिर्फ परचेज रजिस्टर देखना है तो डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट्स बुक में जाइए, इधर परचेज रजिस्टर दिखेगा और ऊपर सेल्स रजिस्टर दिखेगा। इधर आपने परचेज लिया तो ये परचेज किया हुआ दिखेगा, ये अप्रैल महीने में है, इधर हमने इस पार्टी से परचेज किया हुआ है। अगर आप फिर एंटर करेंगे तो आगे और भी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, इसमें से सभी एंट्री आपको दिख सकती है, उसका HGST अमाउंट CGST अमाउंट जो भी है वो सब दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि अभी सेल्स वाउचर का हमें अगर प्रिंट देना है तो क्या करना है। तो हम जाके डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक,
सेल्स रजिस्टर में जाते हैं। इधर आपके सब सेल्स इनवॉइस देखेंगे, आप डेट पीरियड के हिसाब से आप देख सकते हैं। आल्ट एफ टू करके हम इधर आप डेट पीरियड डाल सकते हैं, जितना भी डेट पीरियड डालेंगे उतना आपको मिल जाएगा। तो इधर आप एंटर कर दीजिए और आल्ट पी कीजिए। आल्ट पी करने के बाद आपको गिट प्रीव्यू यस करना, इधर एक ऑप्शन होता है गिट प्रीव्यू, गिट प्रीव्यू करना है तो आपको एक प्रीव्यू दिख जाएगा। ये बिल का प्रीव्यू कुछ ऐसा होता है, इसे आप करके देख सकते हैं। हमने सब डाला हुआ इधर दिख रहा है, हम हरियाणा इंडस्ट्रीज अपना कंपनी, हमने एबीसी को गुड्स बेचे थे, उसका जीएसटी नंबर दिख रहा है, सब इधर इंफॉर्मेशन आ रही है, रजिस्ट्रेशन कोड, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, पेमेंट मोड क्या है। ई वे बिल अगर नंबर डाला होता तो आ गया होता। ई वे बिल का मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इधर इसका ये जीएसटी सी जीएसटी आ जाएगा, और इधर जो आता है वो टैक्स एनालिसिस आता है, अपनी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सेंट्रल टैक्स क्या है, सेल टैक्स क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, अमाउंट क्या है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई, ये आपको देखिएगा। इधर आपको ये नीचे कंपनी का नाम, इधर आपके पास सिग्नेचर आ जाएगा, और इधर ये जीएसटी का डिक्लेरेशन भी आता है। अगर इसमें आपको प्रिंटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, एस्केप कीजिए, दो बार एस्केप कीजिए, फिर से अभी एंट्री में आ जाएगी। आल्ट पी कीजिए और F12 प्रेस कीजिए। F12 मतलब ये इनवॉइस का प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन खुल जाता है। टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा, टैक्स इनवॉइस, उसमें से आप अगर बिल में आप चाहते हैं सिंपल फॉर्मेट में तो इसे यस कर दीजिए, तो देखिए आप ये बिल सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा इस तरह से। अगर वो नहीं चाहती है तो आल्ट पी कर दीजिए, F12 कीजिए और इसे नो कर दीजिए। अगर आप बिल के कस्टमर का सिग्नेचर चाहते हैं तो इसे यस कर दीजिए। मेलिंग डिटेल चाहते हैं तो यस कर दीजिए, कंप्लीट मेलिंग डिटेल चाहते हैं तो। अगर आप बैंक का अकाउंट नंबर आपने प्रिंट करना चाहते हैं, उनसे भी अकाउंट में आपको पैसे आने चाहिए जाने चाहिए, वो इधर बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया का ही सिलेक्ट कर दीजिए, वो इनवॉइस पे प्रिंट आ जाए। जो भी है आप जो जो चाहिए आपको यस कर दीजिए। ऑर्डर नंबर चाहिए तो यस कर दीजिए, टर्म्स ऑफ डिलीवरी यस कर दीजिए, जो आप डालेंगे वो शो हो जाए। इधर प्रिंट कंपनी जीएसटी नंबर यस कर दीजिए, बाय जीएसटी नंबर यस कर दीजिए, इनवॉइस पे आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कोड आ जाएगा, जीएसटी एनालिसिस जो मैंने अभी बोला था आपको वो यस करने के लिए इधर यस कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको प्रिंट जीएसटी कॉलम भी चाहिए परसेंटेज का इनवॉइस में, तो इधर यस कर दीजिए, वो कॉलम भी आ जाएगा। इधर प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए तो यस कर दीजिए। इधर जुरिस्डिक्शन आपका जो भी है, जुरिस्डिक्शन आप वो डाल सकते हैं, फिलहाल मैं अपना डाल देता हूँ। फिर से इधर आ रहा है प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन, तो आप F12 कीजिए। इधर आप इनवॉइस का हाइट देख सकते हैं, इधर 12 डाल सकते हैं, इनवॉइस का हाइट 2 इंच बढ़ जाएगा, पहले 10 था अभी 12 डाला, तो इसमें डाल दीजिए। इधर आपको जो विड्थ भी बदलना है तो 7.5 by 8.5 रख सकते हैं आप, विड्थ भी बढ़ जाएगा। अगर आपको टॉप मार्जिन से कुछ ज़्यादा लग चाहिए तो इधर आप 0.25 हो तो 0.50 रख सकते हैं। अगर लेफ्ट से ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप इधर 1 रखिए, लेफ्ट से मार्जिन बढ़ जाएगा इनवॉइस का। इधर बाकी के ऑप्शन भी हैं जो यस में कर सकते हैं, समझिए आपको नैरेशन प्रिंट करना है तो यस कर दीजिए, नैरेशन प्रिंट हो जाएगा बिल में। बाकी का आपका जो भी यस करना चाहते हैं आप यस कर दीजिए। मैं अभी एंटर करके बाहर आता हूँ तो देखिए इधर मैंने जो भी यस कर दिया है उस तरीके से इनवॉइस बन गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई इधर मैंने यस कर दिया, वो प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। बाकी का इधर जीएसटी रेट का मैंने कॉलम का यस किया था, वो कॉलम आ गया, पहले कॉलम नहीं था, 18% दिख रहा है, पहले समझ में नहीं आ रहा था कौन सा परसेंट कितना है, तो अभी 18% दिख रहा है। इधर एनालिसिस का यस किया तो एनालिसिस आ गया है। तो इधर कस्टमर सील और सिग्नेचर का यस किया तो इधर आ गया है। इधर ये नैरेशन आ रहा है, बिल्स ऑफ फ्रूट्स, इधर कंपनी बैंक डिटेल्स आ रही है, बैंक ऑफ इंडिया, इसका अकाउंट नंबर जो भी है,
तो एक बार आप इसे देख सकते हैं, और इसको आपको सही लगे तो फिर चार टिक की कीजिए, प्रिंट में चला जाएगा, उसका प्रिंट आ जाएगा। इधर एक ऑप्शन है टैक्स एनालिसिस, आल्ट ए कर सकते हैं आप, इनवॉइस में वापस आके आल्ट ए कीजिए, आपको टैक्स का एनालिसिस दिख जाएगा, टैक्स के बारे में क्या क्या हुआ है। शिफ्ट एंटर दबाएंगे इधर जाके तो कितना कितना टैक्स कौन सा लगा है इधर दिखता है, ठीक है। तो इससे आप बाहर आ जाइए, अगर ये आपको देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सब अपने आप तैयार हो जाएगा। आल्ट F1 कर दीजिए तो आपको एक डिटेल में दिख जाएगा। ओपनिंग स्टॉक सॉफ्टवेयर का कुछ रहेगा तो इधर रहेगा, दिखेगा इधर। परचेस अकाउंट के अंदर परचेस इतना हो गया है, एंटर करेंगे तो आपको अंदर तक दिखेगा कितना परचेस हुआ है, 1,80,000 का इधर अमाउंट दिख रहा है। इधर बाजू में आए तो आप सेल्स दिखिएगा, आपको सेल्स कितना किया है और क्लोजिंग कितना बैलेंस रह गया है वो अमाउंट में दिखेगा, और आपका ये नेट प्रॉफिट आ गया इसमें से। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट भी आप इधर देख सकते हैं, बैलेंस शीट भी आपने तैयार होती है। इधर जाके आप बैलेंस शीट में आके फोन कीजिए, डिटेल्स में बैलेंस शीट दिख दीजिए, दिख जाएगी। तो बैंक का अकाउंट माइनस दिख रहा है क्योंकि बैंक में बैलेंस नहीं होता, फिर बैंक ने बैंक में ट्रांजेक्शन किया है इसलिए माइनस में चला जाता है। अगर आप बैंक में बैलेंस रिसीट मार देंगे तो वो माइनस में नहीं जाएगा। स्टॉक का भी ऐसा होता है, अगर स्टॉक आपके पास नहीं हो फिर भी आपने बेच दिया तो ये माइनस में चला जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ वो देखना किधर है माइनस स्टॉक का, डिस्प्ले में जाइए और सबसे नीचे का ऑप्शन एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाइए और निगेटिव स्टॉक देखिए। तो इधर निगेटिव स्टॉक दिखे, अभी तो अपने पास निगेटिव स्टॉक में इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन माइनस में गया हो तो निगेटिव स्टॉक दिखेगा। निगेटिव लेजर आएगा तो निगेटिव लेजर दिखेंगे। ये अभी 1,00,000 दिख रहा है बैंक में बैलेंस नहीं, फिर भी हमने ट्रांजेक्शन किया इसलिए निगेटिव लेजर में आ गया, ये सब आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ जीएसटी का किधर देखना है। जीएसटी का शॉर्टकट है DOG, DOG। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे और जीएसटी में जाएंगे। GSTR 1 में आपका थोड़ा टोटल आपका सेल्स का डिटेल आएगा, GSTR 2 में आपका परचेस का डिटेल आ जाएगा, और GSTR 3 में आपका दोनों का डिटेल आ जाएगा, परचेस और सेल का। GSTR 1 में गए तो आप इधर देखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ वाउचर फॉर द पीरियड 4 दिख रहे हैं। इसमें नॉन रिलेवेंट रिटर्न्स में जो आते हैं वो देखते हैं हम, चीज है इधर पेमेंट और रिसीप्ट, इसका जीएसटी का कुछ मैटर नहीं इसलिए नॉन रिलेवेंट फॉर रिटर्न में दिखा रहा है। और इसमें जो आपको दिखा रहा है इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन, इधर क्या होता है इनकम्प्लीट, जो भी ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट रह गए हैं इनवॉइस में जीएसटी के हिसाब से, जीएसटी का जो भी मैटर है वो जिसमें अपडेट नहीं हुआ है तो ये इनकम्प्लीट में आ जाता है। तो आपने इसे एंटर किया तो इधर फिर से एंटर कर दीजिए, आपको देखिएगा कि जीएसटी में क्या गलत हो गया। तो इधर आ रहा है GSTIN नॉट स्पेसिफाइड इन मैंडेट, तो आप ये सही करके एंटर करके उधर GSTR नंबर जो भी सही है ये डाल दीजिए, ये गलत मैंने डाला था इसलिए शो हो रहा है, जानबूझ के मैंने गलत डाला था कि आपको बता सकूँ। इधर सही करेंगे तो इसमें से चला जाएगा, ऐसा ही परचेस में होता है। GSTR 2 में जाएंगे तो आप ये इधर भी देख सकते हैं इनवॉइसेस मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, इधर एंटर किया तो आपको इधर भी GST का नंबर गलत डाला हुआ इसलिए दिख जाएगा, ऐसा ही कुछ बाकी का कुछ गलत होगा तो उधर उधर वो दिखा देगा। तो आपको ये सही करना है तो सही करके इसलिए एंट्री चला जाएगा मिसमैच से और इसमें आ जाएगा इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न में आ जाएगा। GSTR 3B में दोनों सेल और परचेस दिखेंगे, GSTR 3B में आप चले जाइए और फिर दो मिसमैच दिखे इधर दिखेंगे तो आपको सही करने में, सही करने के बाद वो मिसमैच में नहीं दिखेंगे। इधर नीचे सब एलिजिबल आपको ITC कितना मिल रहा है सब डिटेल दिखा रहे हैं, आउटडोर सप्लाई रिवर्स चार्ज का कुछ है सब दिखा रहा है।
इधर आपने ईवी बिल का कुछ दिया हो तो ईवी बिल इस ऑप्शन में दिखता है, ईवी बिल का रिपोर्ट वो आप देख सकते हैं। अगर आपने चलन तैयार किया है जीएसटी का पेमेंट करते वक्त, तो इधर चलन रिकंसिलेशन में वो आ जाएगा। वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। आप इधर मैंने बताया आपको सेल कैसा करना है, परचेस कैसा करना है, उसका पेमेंट कैसा करना है, और उसका जो आपने जो सेल किया है उसका पेमेंट आ गया तो कैसे एंट्री करना है, तो इससे आपको एक दिख जाएगा। अगर आपको ये बैंक का भी बैलेंस देखना हो तो डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट लिंक में जाएंगे और लेजर में जाएंगे, कौन सा भी लेजर सिलेक्ट किया तो आपको उसका बैलेंस दिख जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया का देखना है तो देख सकते हैं, आपने इतना पेमेंट किया है, इतना आपको आया हुआ है, बैंक में इतना बैलेंस क्लोजिंग, आप हर लेजर का इधर से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले का बेसिक ट्रेनिंग इधर खत्म कर देता हूँ। आप मेरा ये वीडियो जरूर लाइक कर देना। चलिए दोस्तों ठीक है, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना हो, अगर आपको मेरे से कुछ अपडेट चाहिए, जो भी अपडेट्स चाहिए आप वो कमेंट में लिख दीजिए, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।